तो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो से लड़कियां कुछ ना कुछ सीखेंगी और साथ ही थैंक्स भी करेंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शेखर तेजी और आप देख रहे हैं डिस्टर्ब माइंड्स मैजिक, दिमाग को परेशान ना करते हुए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों, इस औरत का नाम था मेरी बीट्राइस डेविडसन कैनर। इसका जन्म 17 मई 1912 अमेरिका में हुआ था और ये दोस्तों बहुत बड़े आविष्कारक थे। अगर दोस्तों इसके परिवार की बात करें तो इसका सारा परिवार आविष्कार करके गया था और ये रुचि इसके अंदर आ गई और इस रुचि को अब निखारने का काम भी करना था और इन्होंने भी आविष्कार कर दिया। तो दोस्तों, यह सैनिटरी पैड का आविष्कार था। अगर दोस्तों हम उनके आविष्कार की बात करें तो दोस्तों, ये आविष्कार उन्होंने स्पेशल महिलाओं के लिए किया था। जो सैनिटरी पैड, जो आपने नाम सुना होगा, पीरियड्स के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने इस आविष्कार को आगे बढ़ाया और लोगों तक पहुँचाया। ये दोस्तों सन 1956 की बात है। उसने एक एनबिल्ट नमी प्रूफ नैपकिन जेब के साथ जोड़ दिया, जिसे सैनिटरी बेल्ट के नाम से जाना जाता है। वह आते हैं उस पर अपना पहला पेटेंट छापने वाले थे और वह इसके लिए कुछ पैसे भी बचाए हुए थे। जिस कंपनी ने पहली बार अपने आविष्कार में दिलचस्पी दिखाई थी, सोन ने पैंक इस कंपनी का नाम था, लेकिन दोस्तों इसे अस्वीकार कर दिया और इससे उनको बहुत बड़ा ठेस लगा। लेकिन दोस्तों, वो चाहती थी कि ये समस्या मैंने हल करनी है और महिलाओं के लिए करके दिखाना है। अगर दोस्तों हम उस समय की बात करें जब समाज को पीरियड्स का जिक्र करने में भी शर्म आती थी, बचपन से एक साहसी व्यक्ति होने के नाते वह इस खोज में अपनी प्रारंभिक रुचि के लिए अपने पिता को मानती है। उसकी माँ हर सुबह अपने घर के पीछे चीखी और दरवाजे से काम के लिए निकल जाती और शोर के कारण कैनर उठ जाती थी और ये ही बातें थी जो उसे आगे ले जाने के लिए मजबूर करती थी। उसने सोचा कि ये मैं बना के रहूँगी और इस समस्या को जड़ से हल करूँगी। लेकिन दोस्तों, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाई, क्योंकि जो उसने पैड बनाया था 30 साल तक के लिए बैन कर दिया, क्योंकि वो अफ्रीकी अमेरिका वाली लड़की थी। इसके साथ इस औरत ने जैसे टिश्यू पेपर जो बाथरूम में यूज किया जाता है, इसका आविष्कार किया था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे महिलाओं को पता लगा कि ये हमारे लिए सही है और सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा है, तब इसे यूज किया गया। लेकिन तब कंपनियां और थी और कंपनियों ने अपने अपने पैड्स बनाए थे, लेकिन बाद में इसे श्रेय कैनर को दिया, जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि मैरी बीट्राइस कौन थी और उसने क्या क्या आविष्कार किया था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।